दियंकु भी छाडिलेनी। ठाकुरंक नारे ठकेई अभिजोग, पाणीरे पडिछि लक्ष लक्ष टंका। नवकळेबर नारे लक्ष लक्ष टंका अर्थ चळु। निम्न मानर कार्य मालेमाल ठिकादार अधिकारी ओ जनप्रतिनिधि। प्रकल्पर फळक चकाचक, किंतु प्रकल्प एबे चराजुर्ण। 5 वर्ष भितरे पाणीरे पडिछि 1,51,48,487 टंका। आमे कहुछु पुरी जिला ब्रह्मगिरी स्थित अलरानाथ चंदन पोखरीर उन्नति और विद्युतकरणर कथा। 2015 मसीहा नवकळेबर समय रे ब्रह्मगिरीर विकास पाई सरकार खर्च करिथिले कोटी कोटी टंका। हेले सरकारंक कोटी कोटी टंका एबे पानी रे पड़िछि। 2015 मसीहा रे पुनरुद्धार दुर्नीति होइथिबा अभियोग मिथिला। 5 वर्ष बीती जाइथिले मध्ये अभियोग को घंट घोड़ाइछंती राज्य सरकार। तबे राज्य सरकार को एभली दुर्नीतिग्रस्त जनप्रतिनिधि और अधिकारी को पाई अनुकंपा काहीके बोली स्थानीय लोके अभियोग आनिछंते। ऐतिह्य संपन्न पोखरी केवल कागज कलम एवं पेपर गणमाध्यम नेचुराल आप देखा जी ये 74 टंकार ही कार्यकारी हो ना भाई जमापड़ देखिए आपण यू मान्यवर पूर्वतन विधायकों करकम गोटे फल प्रतिष्ठा होता जो थे कि लिखाई कि महापुरुष अलरनाथ चंदन पोखरी और आलोकीकरण उन्नतिकरण पर 74 लक्ष टा आपन गोटे देखिपे गोटे इलेक्ट्रिक लाइट भी ये गोटे जलुनी भल अवस्था ना मान्यवर पूर्वतन विधायक तर केवल रोजगार करने से व्यवस्था करते जार फल आपने देखिपे यह बर्तमान अवहेलित तो नहीं नवकळेबर जस्ट 10 दिन 15 दिन पर आप देखिपे लाइटिंग अवस्था यार चतुर्पार्श्वर उन्नतिकरण अवस्था आप देखिपे यह केवल गोटे ठिकादार राजनीति चलता और फलकमरा कार्यक्रम चलता एक छत्रवाद शासन एवं मनोमुखी शासन अंत घटले भी सुधा आम बारंबार आपण मध्यम दाबी कर नवकळेबर टाइम अलरनाथ पाखे होता संपूर्ण कार्यर तदारख करा तार विजिलेंस तदंत कराऊ कहीं सरकार चुप एथेरे कोठु स्वच्छता रो गंध भासुची या ब्रह्मगिरी जनसाधारण सारा ओडिसावासी जानथबे। नवकळेबर समय अलरानाथ चंदन पोखरी उन्नतीकरण पाई RWSS विभाग पक्षर खर्च होता 77,41,863 टंका। चंदन पोखरी चारिपाखे विद्युतकरण पाई जीडी भुवनेश्वर पक्षर 74,06,667 टंका खर्च होता किंतु यह कार्यर तीन मास मध्यरे समस्त विद्युत खुंट अचल और भांगी नष्ट हो पड़ी। सेपरी पोखरी चारिपाखे रही पाचेरी और पोखरी एवं जराजीर्ण अवस्था पड़ रही। संध्या हेले पोखरी चारिपाखे अंधार हो जाउछि एवं असामाजिक व्यक्ति आड्डा स्थल पलटुछि। 74 लक्ष टंका खर्च होगी नवकळेबर ये गोटे ऐतिह्य स्थान बोली जगन्नाथ मंदिर सहित संपृक्त स्थान बोली अलरनाथ चंदन पोखरी कार्य है किंतु से कार्य सेत विरोध करूँ आम जो स्थानीय लोक हिसाब से राजनीतिक कर्मी नुहे स्थानीय बासिंदा हिसाब से आम विरोध करूँ जो ये काम होगा उचित नुह आज सबू पथर फतर फाटिकी आँ कर पथर उपर मंदिर गछपत उठीगला से जो बाड़ होता से बाड़ सब कड़े कड़े भुशुड़ी गला पथर पाचेरी भांगी गला विशेषकर लाइट जो लाइट अवस्था सबूक ओली पड़ला नकली कार्य काम होता नकली मटेरियल से लगता फल सबूक ओली पड़ला जराजीर्ण अवस्था है जिते लाइट से गोटे जलुनी कि कौन सी खुंटी लाइट भलर मैंटा हूँ कथ कि कथ उठू तार नवकळेबर जो सब पोखर उन्नतिकरण जहाँ सब कर तार सठिक भाव रक्षणाबेक्षण करूँ प्रश्न उठू से अलरनाथ मंदिर पोखरी अलरनाथ मंदिर गोटे ट्रस्ट बोर्ड अच्छे से ट्रस्ट बोर्ड तहसिलदार दौरान सरकारी प्रशासन से तहसिल मानने अलरनाथ ट्रस्ट बोर्ड बुझुच्छे एंडामेंट कमिशनर से जहाँ से फनीस बात्यार जहाँ क्षय क्षति पुनरुद्धार कर पुणी सठिक रूपे कार्य कमी प्रशासन गुरुत्व देवे एपरिकी फनी बात्या संपूर्ण असजोड़ा हो पड़ी पोखरी। निम्न मानर कार्य कर ठिकादार और अधिकारी विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान कार्यर विजिलेंस तदंत तुरंत चंदन पोखरीर कार्य को पुनरुद्धार पर स्थानीय लोके दावी करते जगन्नाथ मंदिर सह ओतपत भाव जड़ित श्री अलरनाथ मंदिर प्रति अवहेला कहीं
ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚିତ ଐତିହ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଲରାନାଥକୁ ଭୁଲିଗଲେ କି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2015 ମସିହାରେ ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ କିପରି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଖବର ଅଛି ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ? ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଣଦେଖା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ସେପଟେ ପ୍ରକଳ୍ପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମତିକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। କେବେ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଏ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବା ଅଫିସର ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କେବେ ଖୋଲିବ ଗୁମର, ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।